दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं वेस्टर्न रेलवे भोपाल डिवीजन में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जो मेरे साथी आईटीआई पास हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 28/12 से आप ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है ये, तो इसमें आप अप्लाई करें और ये लास्ट डेट है इसकी 27/1 तक। तो देर ना करें आप, क्योंकि बाद में साइट बहुत बिजी हो जाती है और आपके अप्लाई के लिए क्वेश्चन आपका टाइम निकल जाता है, अप्लाई नहीं हो पाता, कभी कभी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो ये टोटल 200 वैकेंसी हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग यहां अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, फिटर की वैकेंसी जो आपकी है यहां पर टोटल 70 वैकेंसी हैं। फिटर की ये टोटल 70, तो ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 35 जनरल, पिछड़ा वर्ग 19, अनुसूचित जाति 11 और ये एक वर्ष का इनका वो है। तो ऐसे करके वेल्डर में आप देख सकते हैं, यहां पर वेल्डर में आपकी टोटल 100 वैकेंसी है, वेल्डर में टोटल 100 वैकेंसी, काफी वैकेंसी 100। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहां पर 50, 27, ये इस तरह से यहां पर आपका दिया हुआ है। और भी ट्रेड जो कैंडिडेट आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से हो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये कभी कभी सोचते हैं जो एससीबीटी से पास आउट है वो कैंडिडेट सोचते हैं कि हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एससीबीटी से किए हो चाहे वो एनसीबीटी से किए हो। तो यहां पर इलेक्ट्रीशियन 20 वैकेंसी हैं टोटल ये हैं, और आप देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी जो आप सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं उनकी भी 5 वैकेंसी हैं। एक साल का ये कोर्स है आपका अप्रेंटिसशिप का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, आप ये 21/12 जो आपकी जन्मतिथि है वो सॉरी जो 21/12 से आपका ये चालू है, और आपकी जो एज है वो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो 15 साल से और 24 साल के बीच में होंगे। इसमें आपको फीस की जो हम बात करें तो आपको 100 रुपये प्लस 70 रुपये प्लस GST इसका भुगतान आपको करना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। उसके बाद एक्स सर्विसमैन SC ST OBC इनके लिए कोटा निर्धारित है, तो वो आप पूरी डिटेल मेरे नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 70% मिनिमम बेसिस ऑफ सेमी स्किल्ड, जो सेमी स्किल्ड वर्कर होता है उसका जो बेसिस होता है उसका 70% आपको यहां स्टाइपेंड दिया जाएगा। दूसरी साल में आपको दूसरी साल में नहीं आएंगे क्योंकि एक साल का कोर्स है, फिर भी कोई कोर्स ऐसे होते हैं जो दूसरी साल में आपको तो 80%, तीसरी साल में वही आपको स्टाइपेंड 90% हो जाता है, लेकिन आपका कोर्स तो एक ही साल का है तो आपको 70% के हिसाब से ही यहां दिया जाएगा। अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई आप www.mponline.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करते वक्त आपका आधार कार्ड कंपलसरी है। जिन लोगों ने आधार कार्ड है नहीं, जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है वो आधार कार्ड की एनरोलमेंट स्लिप का नंबर जो डाल करके वो अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद अभ्यर्थी को ये ध्यान रखना है कि अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र में आपको दी हुई है सेम वो ही भरना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाद में वेरिफिकेशन होगा तो आपका अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वेरिफिकेशन के टाइम में आपका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें अप्लाई करते वक्त, अपने नाम की, पापा के नाम की, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आप चेक कर लें आसानी से अच्छे से, तब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। उसके बाद ये जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है इसमें आपका सिलेक्शन हाई स्कूल की मेरिट से होगा, आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई रिटन परीक्षा नहीं है, कोई मौखिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की जो परसेंटेज है उससे होगा, उसी से आप इसको भरे। दूसरी बात बताना चाहूंगा, अगर कोई कैंडिडेट SC कैटेगरी का है और SC कैटेगरी की सीटें खाली रहती हैं तो वो ST के कैंडिडेटों से भरी जाएंगी,
और एसटी की सीटें खाली रहती हैं तो वो एससी के कैंडिडेटों से भरी जाएंगी। अगर एससी एसटी दोनों की सीटों में कोई पद बचते हैं तो वो जनरल कैटेगरी से बाद में भर लिए जाएंगे। आवेदन के बाद जो मेरिट बनेगी, जो अप्लाई करने के बाद जो मेरिट बनेगी, उसके बाद जो मेरिट में जो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा उसमें टोटल वेकेंसी का 1.5 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा। सपोज करो बेल्डर में 20 वेकेंसी है तो आपको 30 कैंडिडेटों को यहां बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें आपको ना तो कोई यात्रा भत्ता दिया जाएगा, ना आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आप आने जाने का किराया भाड़ा। तो ये आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहूं तो आप मेरे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको आप अप्लाई लिंक पर जाके अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट हाई स्कूल पास और आईटीआई पास हैं वो इसमें अप्लाई करें, और जो एससीबीटी है एनसीबीटी है ये मायने नहीं रखता, दोनों ही अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है और आप उसको देख करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, अगर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।